के बाद कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली होगी। रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली जन आक्रोश रैली से राहुल बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को ललकारेंगे। रैली में भीड़ जुटाने का दारोमदार दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान पर है। पंजाब, उत्तराखंड सहित कई दूसरे राज्यों से भी भीड़ पहुंचने का दावा कांग्रेस ही कर रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में होने वाला यह पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होगा। देश भर की नजरें इस रैली पर हैं। दिल्ली को तीन ओर से घेरने वाले हरियाणा कांग्रेस की पहले हुई रैलियों में भारी भीड़ जुटाता हुआ नजर आया था। ऐसे में एक बार फिर हरियाणा से पहुंचने वाली भीड़ पर सभी की निगाहें ही रहेंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रैली को लेकर पिछले दिनों में पार्टी के 14 विधायकों, 100 से ज्यादा पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, विधायक दल की नेता किरण चौधरी, मीडिया विभाग के चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव भीड़ जुटाने की कोशिश में है। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि रैली में 2 लाख लोग पहुंचेंगे। राहुल ने भी रैली में पहुंचने के लिए ट्वीट किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल यहां पर जुड़ गए हैं। मुकेश, एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आज बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए जरूर नजर आएंगे, उम्मीद की जा रही है ये? बिल्कुल प्रतीक्षा में, जिस तरह से ये राहुल गांधी कुछ दिन पहले से रैली को मजबूत करने में, रैली को सफल बनाने में लगे पड़े, और सारी जिम्मेदारियां जो है जो दिल्ली से सटे हुए राज्य है, जैसे पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो इन राज्यों पे काफी गर्म जुटाने का। वही कल जब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जो हमारी जिम्मेदारी है 50,000 लोगों को लेके आने के लिए प्रदेश से, लेकिन हमें उम्मीद है कम से कम 1 लाख लोग इस रैली में आएंगे। और 9:30 बजे का समय तय किया गया है। अशोक तंवर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, खुद ही 6:30 बजे से रामलीला मैदान में डट गए, खुद लोग मिलकर बिठा रहे वहाँ पे ये तमाम जो कांग्रेस है। वही दूसरे हुडा गुट की बात करें तो हुडा गुट ने भी दावा किया था, जो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां है कम से कम 50,000 लोग लाने, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के जो आला है कमाने वाले, उम्मीद जताई है जो 2 से 3 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, तो माना ये जा रहा है हरियाणा से, अकेले हरियाणा प्रदेश से 1 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता इस में हिस्सा लेंगे। और ये एक तरह से आप देख सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 1 साल का करीब वक्त रह गया, तो ये कहीं ना कहीं उसको चुनावी नजर से भी देख सकते हैं, चुनाव का बिगुल भी देख सकते हैं, क्योंकि अब आए दिन आने वाले दिनों में आए दिन रैलियां होंगी, आए दिन जनसभाएं होंगी, तो इस तरह से जो पॉलिटिकल जो पार्टियां जब चुनाव का समय नजदीक कर रहे, तो एक दूसरे के। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से आफताब अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आफताब जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी। दिल्ली में आज कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है, क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो आज सबसे पहले तो ये देश में की जनता में जी आज आक्रोश है, चाहे वो महंगाई के लिए है, चाहे वो बढ़ते हुए अपराधों के लिए है, चाहे जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से है, बेरोजगारी है, चारों तरफ जो है एक आक्रोश का वो है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पहली बार अध्यक्ष बन के जो आज रैली करने जा रहे हैं, वो इन्हीं मुद्दों को लेके आज लाखों कांग्रेस जन जो है पूरे हिंदुस्तान से जो है यहाँ इकट्ठे होके इसी बात का संकल्प लेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो जनता का आक्रोश है उसके लिए संघर्ष करके, उसके लिए आगे बढ़ के, उसके समाधान के लिए जो है वैकल्पिक राजनीतिक वैकल्पिक जो है व्यवस्था जो है प्रदान करेगी। लेकिन आफताब जी, यहाँ पर अगर बात करें, जैसे दिल्ली के आसपास अगर हरियाणा की बात करें, तो तीन ओर से हरियाणा ने घेर रखा है दिल्ली को, तो इस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि सबसे ज्यादा जो हरियाणा की तरफ से भीड़ जुटाने की वो बात कही जा रही है, क्या लगता है कि जो हरियाणा की तरफ से भीड़ जुटाई जाएगी वहां पर जो पार्टी में लगातार गुटबाजी की बात आती है उसका असर भी दिखेगा? नहीं, मैं हरियाणा स्वाभाविक तौर पे दिल्ली के बहुत नजदीक है और राजनीतिक तौर पे भी हमेशा उसकी भागीदारी बड़ी प्रमुख रहती है, तो हम ये मानते हैं जनता हमारे यहाँ के कांग्रेस जन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, और किसी तरह का कोई गुटबाजी या किसी तरह का कोई ऐसा
जो है किसी तरीके की कोई नजर नहीं आएगी। सब कांग्रेस जन एक है राहुल जी को आगे बढ़ने के लिए, और देश में जो हालात है उसको भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश के विरुद्ध जो है सारे कांग्रेस जन मिलकर लड़ाई लड़ेंगे राहुल जी के नेतृत्व। जी बहुत शुक्रिया आफताब जी हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश यहाँ पर बने हुए हैं। मुकेश, अगर बात करें रैली के, कब तक ये शुरू हो जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जो कार्यक्रम का तय समय किया गया है 9:30 बजे का वक्त है जहाँ की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी का जो समय बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी में वहां पहुंचेंगे, उसके बाद लोगों को अपना भाषण देंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी जिस जब से उन्होंने अध्यक्ष पद का संभाला तब से लेकर उनकी पहली रैली है, कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से राहुल गांधी की जो ताकत है उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो बाकी चीजें हैं, जो विपक्षी जो बीजेपी के लोग कहते रहते राहुल गांधी से जो पार्टी है वो संभाल नहीं रही है वो है, तो इन तमाम मुद्दों पे भी लगता है आज विराम लग जाएगा। उसके साथ ही जब बात करें हरियाणा की गुटबाजी की, तो आपने देखा जो गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आ सकता है, तो उसको लेकर राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया जो मुझे किसी तरह से गुटबाजी वहां पे नजर नहीं आनी चाहिए। आपने देखा पहले भी रैली हुई तो उसमें कहीं ना कहीं ये पगड़ी पहन के गए, पगड़ी का रंग दिखे हुड्डा गुट अलग, सबल गुट अलग, और जो बाकी गुट है तो वो तमाम अलग अलग गुट नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पगड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनने में खबर आ रही है ये कि हुड्डा के ग्रुप के लोग जो है, हुड्डा गुट के लोग है, वो कहीं ना कहीं गांधी टोपी का यूज कर सकते हैं। जी मुकेश, आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी यहाँ पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, अगर बात करें आज दिल्ली में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होने वाली है, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम, पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, ऐसा है कि इसमें कहीं इसमें जन आक्रोश नहीं है, इनमें जो भी आपने देखा है जिस तरह से कितने घरों में हमारे हरियाणा में भी जो है वो कांग्रेस बची हुई है, तो ये इनके अपने मन का आक्रोश जो है ये निकालेंगे जी। ये कांग्रेस के नेताओं का आक्रोश जो है वो रैली है, इसमें जन आक्रोश कहीं नहीं है, जन में कहीं किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है। जन चारों तरफ से खुशहाल है और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करता है, मोदी जी में विश्वास व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि जो इनकी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अपना आक्रोश दिखाने के लिए आज ही रैली करेंगे। और सबसे बड़ी दुविधा जो है वो कांग्रेस के लीडर्स के लिए, इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने कहा कि अब की बार आप कोई कलर करके नहीं आएंगे, किसी कलर का पगड़ी वगैरह बांध कर नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे और भी ज्यादा उनको दुविधा रहेगी, और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा कि किस तरह से वो अपनी प्रेजेंस शो करें। जी मुझे लगता है कि ये इसको हम अगर नाम दें कि कांग्रेस के जो लीडर है उनकी आक्रोश रैली है तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सुनीता जी, जैसे अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री जुड़े हुए थे आफताब अहमद कांग्रेस से, उनका लगातार ये कहना था कि गुटबाजी का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पगड़ी का रंग ना होने की वजह से क्या आपको लगता है कि उसका असर साफ साफ दिखाई देगा? नहीं, देखिए अपनी कोशिश रहेगी, ये जो लीडर्स हैं उनकी अपनी कोशिश ये रहेगी कि वो अपनी प्रेजेंस शो करें। जी प्रेजेंस तभी शो हो पाएगी जब तक वो अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक उसको रंग देने की कोशिश नहीं करेंगे। जी तो मुझे लगता है कि वो कोई स्पेसिफिक रंग देने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर से आक्रोश इनका आपस में बढ़ेगा कि देखिए आपने मना किया था कि कोई स्पेसिफिक कलर या पगड़ी कुछ नहीं पहनना और ये फिर भी पहन के आ रहे हैं। जी नेचुरल सी चीज है कि अगर कोई नेता है तो वो अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करेगा, लेकिन दूसरों को उस चीज की आपत्ति हो सकती है, तो मुझे लगता है इसीलिए ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका आक्रोश झलकेगा ज्यादा। जी बहुत शुक्रिया सुनीता जी। मेरे सहयोगी मुकेश मंडल यहाँ पर जुड़े हुए थे। मुकेश, अगर बात करें जो कार्यक्रम है उस 10:30 बजे के आसपास शुरू होने वाला है, कौन कौन से नेता, जैसे कि आपने बताया कि अशोक तंवर 6:30 बजे से पहुंचे हुए, बाकी और कोई नेता भी वहां पर पहुंचे हुए अभी हरियाणा की तरफ से? बिल्कुल, हरियाणा के कई नेता वहां पर पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा वो खुद कार्यकर्ता को वो रैली ग्राउंड पे नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो उठते आ रहे हैं पूरे प्रदेश से तो उनको भी वो पर्सनली रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद शैलजा की बात करें तो ये तमाम जो हरियाणा के नेता है सारे अपने अपने कार्यकर्ताओं को बात पे दूर से, जो सिरसा अंबाला की बात करें तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो पहले ही रात को यहाँ पे आ गए थे, लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था भी जो जिन गुटों का व्यक्ति थे उन गुटों ने करवाया था, और यही वजह है कि सुबह 5 बजे से रैली ग्राउंड में लोगों का आना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं ये एक जोश दिख रहा है यहाँ पे लोगों का, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, महंगाई आए दिन, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें तो महंगाई का असर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं
जनता है फिर भी वो कांग्रेस के साथ अभी दिख रही है रैली ग्राउंड में, लेकिन रैली के बाद तय करेगा कि जनता का मूड क्या है। क्योंकि जिस तरह से पहला रैली है आपको याद होगा कल मनोहर लाल खट्टर खुद फैजाबाद में गए थे, उन्होंने खुद रैली की थी, वो जब एक रोड शो किया था, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आए दिन रैली करने वाले हैं। और अब ये दिख सकता है आपको, आए दिन रैली दिख सकता है, लोग दिख सकते हैं, वही गुटबाजी भी दिखने को मिलेगा। लेकिन जो ये हुड्डा की बात करें, तंवर की बात करें, तो इन्होंने जब बात हुई तो इन्होंने कहा हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है और हम सब राहुल गांधी के लिए काम करें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो सबको पता है। जी, बेहद शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए।